गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और सभी भाइयों को मेरी राम राम नमस्ते। और भाई जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये बाग है, तो हम आज बाग में ट्रैक्टर लेके आए हैं स्प्रे करने, क्योंकि अपना ही बाग है, स्प्रे करनी है। और भाई बेच रखा है तो ठेकेदार आने वाले हैं स्प्रे के, मतलब वो दवाई लेके आ रहे हैं। बाकी हम यहाँ घोलेंगे इसमें दवाई, आपको भी दिखाएंगे कैसे होगी। और भाई फसल स्टार्ट है बाग की, मतलब आम आने वाले हैं हमारे यहाँ, तो उस पर स्प्रे होगी गर्माहट के लिए वगैरह भी, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा स्प्रे करेंगे हम आज पूरा दिन। तो आप लोगों को बने रहे हमारे साथ इस ब्लॉग में, आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कि कैसे स्प्रे लगती है हम पे और कैसे कैसे क्या क्या दवाई स्टार्टिंग में हमें घेरनी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं। तो पहली बात तो ये कि भाई जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे, क्योंकि आप लोगों का प्यार रहेगा तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए बनाता रहूँगा और लाता रहूँगा। वैसे तो मैं बना रहा हूँ, आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ इस हमारे ब्लॉग में, कंटिन्यू करते हैं आगे। ये टैंकर है और ये मशीन है, अब हमें इसमें पाइप जोड़ने हैं, तो पाइप जोड़ते हैं और आपको फिर दिखाते हैं, क्योंकि अभी अधूरा काम है। बाकी एक पाइप पानी वाला तो जुड़ा हुआ है, ये पानी वाला पाइप है इस मशीन के अंदर, और बाकी अभी दो पाइप जो स्प्रे जो होगी मतलब वो वाले भी रह रहे हैं, वो जोड़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो, ठीक है, बने रहे हमारे साथ। तो भाई देखो दवाई घुल रही है हमारी, दूसरे बांधने पड़ो, तो अरे वो नोजल दूसरे बांधने पड़ो, मशीन को भी लाने पड़ा। तो गाइस देखो चल रही है स्प्रे बाग में, ये देखो भाई ये इधर कर रहे हैं, और भाई देखो तीन आदमी उधर लगे हुए हैं स्प्रे करने में, वो देखो लड़का उधर कर रहा है। बाकी वही है अपने ट्रैक्टर टैंकर इधर लगे पड़े, भाई बाग अभी काफ़ी रह रहा है, देखो काफ़ी बड़ा बाग है। तो अभी कुल मिला के ये कि अभी दूसरा टैंकर है और भाई हमें छः टैंकर स्प्रे के और करने हैं, मतलब पांच टैंकर करने हैं और इसमें अभी 60 टैंकर लगते हैं। और अभी देखो मतलब फसल तो स्टार्ट ही है समझो, बस और 15 दिन में थोड़ी अच्छी से चमक जाएगी। बाकी स्प्रे चल रही है फिलहाल, सल्फर चल रहा है और भाई सल्फर एनपीके 19-19 और 21 नाशक लगा रहे हैं, ये सब मतलब ये तीन दवाई लगा रहे हैं फिलहाल के टाइम में। और बाकी भाई ये टाइम तो लगता ही है और अब मेहनत होगी तो फसल अच्छी होगी। अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ये निकलना हो गया स्टार्ट, ये कितना इतना निकल रहा है, ये चौसे के पेड़ हैं भाई हमारे यहाँ, इतना इतना निकल रहा है ये देखो। तो गाइज हमारे यहाँ बस ये अभी आम का सीज़न मतलब स्टार्ट होने वाला है, आम स्टार्ट होने वाली है फसल आने के लिए। तो भाई अभी मतलब जुलाई चल रही है तो हम मतलब आपको दिखा भी रहे हैं, ये अपना ट्रैक्टर टैंकर है और जुलाई चल रही है बस फिलहाल, तो मतलब और फिर आम आएगा तो भी, तो मतलब ये है कि इतना तक आम थोड़े मोटे मोटे होंगे तो भी तो लगभग 4-5 जुलाई हो जाएंगी, क्योंकि रोग ज़्यादा आते हैं तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो दवाई स्प्रे वगैरह चलती रहती है। तो वैसे बने रहे हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जैसे भी फिलहाल तो जो इसमें दवाई लग रही है वो एनपीके 19-19 है और भाई एक कोई कीटनाशक है, कुछ भी कीटनाशक वगैरह की डाल लो, और बाकी सल्फर है 3 किलो
ये 3000 लीटर का टैंकर। तो गाइस ये देखो हम भरने आए अब टैंकर, दिखा रहे हैं आपको, देखो पानी ये भरा जा रहा पानी टैंकर में। और भाई देखो पट्टे से चल रहा काम, और भाई ये पड़ा इधर पानी बाग में, और भाई इधर ये ट्वेल है, देखो ट्वेल का मतलब ये घर है पूरा का पूरा यहाँ बना रखा है बाग में उसको भी। और यहीं से मतलब हम पानी भरने आते हैं, ये ट्वेल चला के और अपना पानी भरो आराम से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। इधर ऊपर जाके बुलाबा है, वहाँ से ये पानी इधर आ रहा है सारा का सारा ना। और ये लट्ठे के तार हैं दोनों, इधर ये बैठे और इधर ये, और भाई ये चल रहा अपना पानी। इसको और थोड़ा सा दो टैंकर का काम रह गया, एक ये और एक और, बस दो टैंकर मारने हैं। और भाई शाम भी होने ही वाली है बस। भाई हमारा भाई तो भाई घूम रहा है यहाँ पे, लगा पड़ा है बिल्कुल काम पे लड़का भाई। देखो भाई तो भाई लास्ट टैंकर है हमारा, फिर चलते हैं घर। 6 टैंकर हो चुके हैं पूरे, आज का काम हो चुका है फिनिश। और कल भाई परसों में बोना है गन्ना, तो कल बीज छूलेगा गन्ना बोने के लिए। तो मिलते हैं कल वीडियो में दूसरी, तो बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। शाम हो चुकी है भाई हमें स्प्रे करते करते, और भाई अब हम घर जाना है बस हमें। और ये पीछे देख रहे हैं आप, ये सारा बाग हमने आज मतलब कंप्लीट हो गया स्प्रे करके। और बाकी ये भी देखो इधर ये रह रहा है थोड़ा सा, मतलब थोड़े से पेड़ रह रहे हैं, तो बस ये इधर कर रहे हैं, ये स्प्रे चल रही है। बाकी लगभग 2-3 दिन के बाद फिर हमें स्प्रे मतलब और बाग है अपने उसमें करनी है। बाकी मेरे पीछे देखो ये छोटा छोटा आपको दिख रहा हो, ये कोहरा है आ रहा है अभी।